अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है यूबीएल बैंक रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन अपना घर स्कीम का आगाज कर दिया है। इसमें 12 बैंक्स हैं जिनकी मदद से आप फायदा उठा सकते हैं। यूबीएल रोशन अपना घर की तमाम तफसील में आपको आज वीडियो में बताऊंगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना लोन आप रोशन अपना घर के लिए ले सकते हैं और वापसी कितने अरसा में आपको करनी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तफसील में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि यूबीआई रोशन अपना घर स्कीम इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों में अवेलेबल है। कन्वेंशनल में सूद होता है तो आपने इस्लामिक में ही अप्लाई करना है ताकि सूद ना हो। तो सबसे पहले जी आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप इसमें बना बनाया घर ले सकते हैं, प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बना सकते हैं, और अगर आपका पहले से घर मौजूद है आप उसको रेनोवेट करना चाहते हैं यानी कि उसको कोई अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जी लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में आपको 100% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का दिया जाएगा, यानी कि 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको 1 करोड़ ही बैंक की तरफ से फाइनेंस किया जाएगा। और अगर आप नॉन लीन बेस्ड में फाइनेंस करते हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी का 85% दिया जाएगा, यानी कि 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको सिर्फ 85 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो लीन बेस्ड फाइनेंसिंग और नॉन लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में क्या फर्क है। लीन बेस्ड फाइनेंसिंग में ये होता है कि आपको अपने पैसे गिरवी रखने होते हैं, यानी कि जितने की प्रॉपर्टी होगी उतने ही आपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे गिरवी रखने होंगे बैंक के पास। यानी कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ आपने बैंक में जमा कराना होगा, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट लेनी होगी कि आपका पैसा बैंक में पड़ा रहे। और नॉन लीन बेस्ड फाइनेंसिंग ये होती है जो आमतौर पर आप बैंक से कर्जा अप्लाई करते हैं और आपको कर्जा दे दिया जाता है और आपने महाना एक साथ की सूरत में वापसी करनी होती है। इसके बाद जी इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको जो फाइनेंसिंग टेनवर दिया जा रहा है वो 3 साल से लेकर 25 साल तक दिया जा रहा है। मैक्सिमम फाइनेंसिंग की सहूलत आपको यहाँ से दी जा रही है कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको 100% भी दिया जाएगा। अगर आप अर्ली पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अर्ली पेमेंट भी कर सकते हैं, इसकी भी सहूलत मौजूद है, लेकिन उसमें आपको पहले साल में अगर आप करते हैं तो 1% आपसे चार्ज होगा। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की भी सहूलत मौजूद है, आप करवा सकते हैं। और प्रोसेसिंग फीस इसकी जी 4000 रुपये है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो उसकी भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप नहीं करवाना चाहते आपकी मर्जी है। तो आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है और आपके पास वैलिड NICOP होना चाहिए। आप यहाँ पे बना बनाया घर ले सकते हैं, यहाँ पे आप ज़मीन लेके घर बना सकते हैं और उस आपका पुराना जो घर है उसको रेनोवेट कर सकते हैं। इसमें जी सैलरी वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं और नॉन सैलरी वाले बंदे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपना बिजनेस करते हैं। बैंक की तरफ से आपके महाना इनकम की कोई शर्त यहाँ पर नहीं है। को एप्लीकेंट आपके लिए ज़रूरी है, और को एप्लीकेंट आपकी वाइफ, आपके वालदेन या आपके बहन भाई या आपके बच्चे हो सकते हैं, और वो पाकिस्तान में मुस्तकिल रहाइश पजीर होने चाहिए। 100% आप क्लबिंग कर सकते हैं अपनी इनकम की। अगर इनकेस आपकी वाइफ जॉब करती है तो उसकी 100% आप इनकम क्लबिंग कर सकते हैं, और आपकी वाइफ के अलावा जो दूसरे बंदे हैं उनकी आप 75% तक इनकम क्लबिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 को-एप्लीकेंट्स अलाउड हैं। इसके बाद जी एज आ जाती है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। सैलरी वाले बंदों के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 60 साल एज है, यानी कि आप जब लोन की आखिरी किस्त पे कर रहे हो तो आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए। लेकिन आप अगर कोई जस्टिफिकेशन देते हैं, आप कोई ऐसी वजह बताते हैं कि आपकी रिटायरमेंट के बाद भी आप ये लोन पे कर सकते हैं, तो आपको मजीद 5 साल और भी दिए जा सकते हैं। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल जो हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, उनकी जी एज यहाँ पे 65 साल तक होनी चाहिए जब वो लोन की आखिरी किस्त पे कर रहे हों तो। फाइनेंसिंग रेंज यहाँ पे कितनी है। अगर आपने नया बना बनाया घर लेना है या फिर आपने ज़मीन लेके उसके ऊपर घर बनाना है तो कम से कम 5 लाख रुपए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है, आप जितना मर्जी यहाँ से ले सकते हैं।
फाइनेंसिंग रेंज जो है वो रेनोवेशन के लिए आपको कितनी मिलेगी, 5 लाख रुपए से लेके आपको 1 करोड़ रुपए तक यहाँ से फाइनेंसिंग रेंज सिर्फ रेनोवेशन के लिए मिल सकती है। कितने अरसे के लिए आपको ये लोन मिलेगा, 3 साल से 25 साल तक आप ये लोन वापसी कर सकते हैं। इसके बाद जी आपकी जो महाना एक साथ होंगी वो इक्वल होंगी, उनमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। मैक्सिमम 85% आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का दिया जाएगा। अगर आप अपना नया घर बनाना चाहते हैं या फिर बना बनाया घर लेना चाहते हैं, 40% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको यहाँ से फ्राम किया जाएगा अगर आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं अपने पुराने घर की। तो इसके अलावा जी यूबीएल रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर जिन्होंने यूबीएल में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है उनके लिए गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम भी यहाँ पे दी जा रही है। आपने करना क्या है कि इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपने उस लिंक को क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे आके इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।